चलो, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? सबसे पहली चीज ध्यान रखो, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं. क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर. हु कम टुगेदर क्यों आएंगे एक साथ टू कंटेस्ट इलेक्शन? क्यों आएंगे एक साथ टू कंटेस्ट इलेक्शन? होल्ड पावर, ठीक है ना? दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज, ठीक है ना, टू प्रमोट कलेक्टिव गुड. तो अगर यहाँ देखें पॉलिटिकल पार्टीज की डिफाइन में, तो चार चीजें. पहला क्या? ग्रुप ऑफ पीपल, कम टुगेदर, होल्ड पावर. क्यों कम टुगेदर? कंटेस्ट इलेक्शन, होल्ड पावर, अग्री ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. और ये सारी पंचायती लोग क्यों कर रहे हैं? टू प्रमोट कलेक्टिव गुड, सबका भला हो. आ रही है बात समझ में? दे परसुएड पीपल. परसुएड मतलब कन्विंस करना. दे परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स. आई बात समझ में? एंड सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसी. की बोला अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो हम ये पॉलिसीज क्या कर देंगे? इम्प्लीमेंट कर देंगे. तो पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप ऑफ पीपल, कम टुगेदर, कंटेस्ट इलेक्शन, होल्ड पावर, अग्री ऑन सम पॉलिसीज टू प्रमोट कलेक्टिव गुड. दे परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर एंड सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग इलेक्शंस. बोलो, कोई परेशानी? नेक्स्ट, हु इज अ पार्टिसन? तो पार्टिसन इज अ पर्सन. हु इज अ पार्टिसन? ही इज अ पर्सन स्ट्रॉन्गली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन. Partisan is a person strongly committed to a party, person, group or a faction. ठीक है? A partisan is faction, एक idea या norm होता है जिसको आप blindly follow करते हो. ठीक है? क्या होता है? They are marked by tendency to take a side. Tendency to take a side मतलब ये bias रहते हैं. ये किसी भी चीज पे किसी पार्टी की तरफ या किसी आइडियोलॉजी की तरफ बायस रहते हैं, और ऐसे में ये किसी भी चीज पर एक बैलेंस्ड व्यू नहीं दे पाते. किसी भी चीज में ये बैलेंस्ड व्यू नहीं दे पाते. क्लियर? अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस की बात करें, तो सबसे पहले छह हेडिंग याद कर लेना. मैं बोल रही हूँ, सबसे पहला कंटेस्ट इलेक्शन. सबसे पहला कंटेस्ट इलेक्शन. दूसरा, पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. तीसरा, मेकिंग लॉज. चौथा, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. पांचवा, रोल ऑफ ऑपोजिशन. छठा, शेप पब्लिक ओपिनियन. और लास्ट, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स. ठीक है? कंटेस्ट इलेक्शन, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मेकिंग लॉस, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, रोल ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर, और शेप पब्लिक ओपिनियन. Why do we exam point of view से question बहुत important है, बहुत बार exam में आ चुका है, ठीक है ना? तो हमने बोला चलो मानो political parties नहीं होती. So if there are no political parties, every candidate would be independent. Every candidate would be independent. No political party, every candidate would be independent. They would be accountable for their constituency. They would be accountable for their constituency. But no one will be responsible for how the country would run. No one would be responsible how country would. So, no political party, every candidate would be independent. Elected representatives would be accountable for their own constituency, but no one would be responsible upon how the entire country would run. आई बात समझ में? तो ये तो पहला पॉइंट हुआ. बोला अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं भी होती तो ऑटोमेटिकली बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, विलेज में देर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, बट हर विलेज में एक से ज्यादा फैक्शन होते हैं. द विलेज गेट्स डिवाइडेड इंटू मोर देन वन फैक्शन, each of which announces a candidate just like a political party. तो वो जो faction होता है वो technically कोई political party नहीं होती, but village itself gets divided into faction, each of which puts forward a candidate just like a political party does. तीसरा point, as societies get larger and complex, they need some agencies to gather views on different issues and represent these issues to the government, and political parties are needed to do it. ठीक है? They support, they make policy, justify or oppose them. तो अगर ये आंसर आता है तो बेटा हम लोग को टेक्निकली कितने पॉइंट लिखने हैं? चार.
मैं बता रही हूँ, पहला अगर पोल पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा, कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑन हाउ द कंट्री वुड रन, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, एट विलेज लेवल देर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, बट ईच विलेज गेट्स डिवाइडेड इंटू डिफरेंट फैक्शन एंड ईच फैक्शन पुट्स फॉरवर्ड अ कैंडिडेट जस्ट लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी डज. दिस इज योर सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, सोसाइटी इज लार्जर और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है. वी नीड सम एजेंसीज, वी नीड सम एजेंसीज टू गैदर इंफॉर्मेशन या ओपिनियन ऑन डिफरेंट व्यूज एंड रिप्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड टू डू इट. दिस इज योर थर्ड पॉइंट. फोर्थ, दे सपोर्ट पीपल, मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई और अपोज देम. सो ये तुम्हारा किस चीज का आंसर हुआ, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी. क्या होता है, वन ऐसी कुछ कंट्रीज रहती है जहां पर एक ही पार्टी रहती है जो गवर्नमेंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ऐसे को हम लोग कहते हैं वन पार्टी सिस्टम. एग्जांपल चाइना, चाइना में कौन सा, कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है, पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज बट इट डज नॉट हैपन बिकॉज इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट अलाउ इलेक्टोरल फेयर कॉम्पिटिशन फॉर पावर. टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, इन कंट्रीज पावर चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज. ठीक है, दीज टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शंस. ओनली दीज टू पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शन. एग्जाम्पल यूएसए एंड यूके. फिर आता है तुम्हारा मल्टी पार्टी सिस्टम, सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर. मोर देन वन पार्टी हैज अ रीजनेबल चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शन. पहली बात, कॉम्पीट भी बहुत सारी करती है और बहुत सारी के पास रीजनेबल चांस भी होता है क्या करने का, इलेक्शन जीतने का. तो मोर सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर, मोर देन वन पार्टी या मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस फॉर विनिंग द इलेक्शन एंड कमिंग टू पावर ईदर ऑन देयर ओन, ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद द अदर. ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ यानी कि अपने बलबूते पे or with an alliance with other, this is called multi-party system. Alliance matlab kya hota hai, when several parties in a multi-party system, when several parties in a multi-party system join hands, haath nahi jodna, join hands. Theek hai, when several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, then it is called alliance or front. Example, 2004 election में, 2004 के election में हमारे यहाँ कौन कौन से alliances बने थे? एक बना था NDA, National Democratic Alliance, दूसरा क्या बना था? UPA, United Progressive Alliance, और तीसरा क्या था? Left Front. Multi-party system बहुत messy दिखता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी लेकर आता है, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या होती है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट और ओपिनियन क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंजॉय कर सकते हैं. मेसी होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी लेकर आता है, लेकिन क्या होता है, लार्ज वैरायटी ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट आर एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. इज दैट क्लियर? रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होती है, रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज वो होती है जिनके पास एक यूनिक सिंबल होता है जो उसके कैंडिडेट को मिलता है फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस. दे आर गिवन सर्टेन प्रिविलेजेस, दे आर गिवन सर्टेन प्रिविलेजेस एंड स्पेशल फैसिलिटीज, एंड स्पेशल फैसिलिटीज रिकग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, रिकग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. तो कौन सी होती है रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास एक यूनिक सिंबल होता है दैट इट्स कैंडिडेट कैन यूज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन. दे आर गिवन सर्टेन प्रिविलेजेस and special facilities, they are given certain privileges and special facilities recognized by the election commission, recognized by the election commission. Okay, theek hai. Ab national party kaun si hoti hai, dhyan se dekhna. National party wo hoti hai that secures at least 6% of the total votes, that secures at least 6% of the total votes. Theek hai na, kahan par? To the legislative assembly of a state, to the legislative assembly of a state, or at least two seats, at least two seats is recognized as a state party.
is recognized as a state party. तो स्टेट पार्टी क्या करती है, 6% ऑफ द टोटल वोट्स. पहली कहानी कौन सी है, 6% ऑफ द टोटल वोट्स. कहां पर, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ एंड विंस एट लीस्ट टू सीट्स एंड विंस एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एट लीस्ट टू सीट्स इज रिकग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी. ओके, नेक्स्ट नेशनल पार्टी कौन सी होगी, 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन. पहले हमने क्या देखा, लेजिस्लेटिव असेंबली देखा, यहाँ पर हम लोगों ने बोला 6% ऊपर भी है, 6% दर पे भी, पर यहाँ पर क्या है, लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस इन फोर स्टेट्स, लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस इन फोर स्टेट्स एंड विंस एट लीस्ट फोर स्टेट्स इन द लोकसभा एंड विंस एट लीस्ट फोर सीट्स इन द लोकसभा. तो छह स्टेट पार्टी के लिए 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एट लीस्ट टू सीट्स. और नेशनल पार्टी 6% ऑफ द टोटल वोट्स बट इन अ लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस ऑफ फोर स्टेट्स, असेंबली इलेक्शंस ऑफ फोर स्टेट्स एंड विंस एट लीस्ट फोर सीट्स इन द लोकसभा. ऐसी पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल पार्टी. इज दैट क्लियर, बोलो कोई परेशानी. देखो कांग्रेस कब लॉन्च हुई थी, 1 जनवरी 1998 को. लीडरशिप किसकी थी, ममता बनर्जी की, ठीक है ना. नेशनल पार्टी कब बनी, 2016 में. सिंबल क्या है, फूल और घास, ठीक है. पार्टी का मोटो क्या है, सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म. वेस्ट बंगाल में ये पावर में है 2011 से. अब अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और त्रिपुरा में भी पावर में आ रही है, ठीक है ना. जनरल इलेक्शन 2014 में हुए थे, इसको 3.84% वोट्स मिले थे और ये 34 सीट्स जीती थी इसने, ताकि ये क्या हो गए, बन गई फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी बन गई. फिर है तुम्हारी बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी. कब बनी थी, 1984 में. किसके अंडर लीडरशिप में, काशीराम, आई बात समझ में. और ये वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दलित, आदिवासी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए काम करती है. जैसे हमने ऊपर देखा ना, सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म, तो बहुजन समाज पार्टी का फोकस किस पे रहता है, हमेशा वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना. और इसका मेन बेस कहाँ है, यूपी में है अभी, लेकिन इसके ये कहाँ कहाँ पे इलेक्शन लड़ती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब. आई बात समझ में. इसने यूपी में बहुत बार गवर्नमेंट बनाई है अलायंस के थ्रू. फिर है हमारी प्यारी बीजेपी, 1980 में बनी थी, ठीक है ना. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाई थी 1950, नहीं नहीं ये पहले अलग नाम था इसका, अभी तो 1980 याद रखना है ना. इनका पर्पस क्या है, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, इंडिया के एंशियंट कल्चर को ध्यान में रख के, ठीक है ना. और इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म और अंत्योदय की बात ये करते हैं, ठीक है. लाइट लेके आना उदय. कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न अर्बन एरियाज की पार्टी है ना. और ये लार्जेस्ट पार्टी बनी 2014 के इलेक्शंस में, अब की बार मोदी सरकार वो वाली इलेक्शंस मतलब. सीपीआई इज योर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में बनी. मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में बिलीव करती है, सेक्युलरिज्म और डेमो, ठीक है ना. ये सेसेशनिज्म और कम्युनलिज्म को अपोज करती है, ठीक है. और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करती है और ये गरीबों पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, जैसे वर्किंग क्लास और फार्मर्स और पुअर, ठीक है. कहाँ कहाँ अवेलेबल है, केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, है ना. लेस देन 1% वोट मिले, 1 सीट मिली 2014 के इलेक्शंस में. फिर ये जो ऊपर वाली सीपीआई थी, ये जब स्प्लिट हुई तो 1964 में, ये भी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को मानती, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, हाँ पर यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म में मिली को अपोज करती है, ठीक है. बोलते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए. और पावर में कहाँ कहाँ है, वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा, है ना. ये वेस्ट बंगाल में पावर में थी करीब कितने साल, विदाउट ब्रेक फॉर 34 ईयर्स, ठीक है. फिर आ जाओ तुम लोग आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको पॉपुलरली हम लोग कांग्रेस पार्टी बोलते हैं. ओल्डेस्ट पार्टी है,
1885 में बनी थी हमारी आजादी के भी पहले, लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनकी ये सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी चाहते हैं इंडिया में, है ना। ये 1977 तक सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी थी, उसके बाद 80 से लेके 89 तक भी इन्होंने बहुत सालों तक राज किया, और 89 के बाद इसका सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि बीजेपी आ गई। मेन पार्टी का आइडिया क्या है, सेक्युलरिज्म और वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटी। फिर आती है नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये कब बनी थी, 1999 में बनी थी, आईएनसी के स्प्लिट के बाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्प्लिट के बाद, ठीक है ना, स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, गांधी जी के सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म। ये महाराष्ट्र में अच्छी बड़ी पार्टी है, और इसके अलावा मेघालय मणिपुर में भी छोटे मोटे इलेक्शन जीत लेती है, है ना। ये महाराष्ट्र में कांग्रेस का कोलिजन पार्टनर भी है, किस नाम से, यूपीए, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। चलो अब बात करें किसकी चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब पार्टीज मेंबरशिप रजिस्टर्स नहीं रखते, मीटिंग्स नहीं रखते, इंटरनल इलेक्शंस भी नहीं होते। रजिस्ट्रेशन, इंटरनल इलेक्शंस और मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स, ठीक है ना। और ये ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं रखते अपनी फंक्शनिंग में, जिसकी वजह से एक ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर जो है वो कभी भी टॉप पे नहीं आ पाता है। इस चीज को हम लोग कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। क्या कहते हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन। तो पहला चैलेंज क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन। तीसरा है मनी एंड मसल पावर। तीसरा क्या है, मनी एंड मसल पावर्स, यानी कि क्या होता है, वो बहुत सारे शॉर्टकट्स करते हैं विनिंग द इलेक्शन। मतलब जो बंदा पार्टी को फंडिंग देता है उसको बहुत सारे फेवर्स देते हैं, और ये क्रिमिनल्स का भी यूज करते हैं या क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं जो पार्टीज को हेल्प करते हैं इलेक्शन में लड़ने के, मतलब जीतने के लिए। आ रही बात समझ में। लास्ट क्या है, पीपल डू नॉट फाइंड पार्टीज टू बी अ मीनिंगफुल चॉइस ऑफ द वोट। मतलब क्या हुआ कि सारी पार्टीज की जो वो है क्या पॉलिसीज है, या जो वो मैनिफेस्टो में लिखते हैं वो हियर एंड देयर क्या है, सेम ही है। और हमेशा क्या होता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक लीडर चेंज होते रहते हैं। तो जो पहले कांग्रेस में था वो बीजेपी में, तो बीजेपी भी वैसी है जैसे कि कांग्रेस है। तो लोगों को बहुत मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलती है। याद रखना, चार लिमिटेशन लिखनी है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, एंड पार्टीज फेल टू प्रोवाइड अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। पार्टीज फेल टू प्रोवाइड मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म। तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं जिससे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म हो जाएगी। पहला, अब आप एमपीज और एमएलएज को पार्टी चेंज करने से क्या करते हो, रोक सकते हो। आ रही बात समझ में। सेकंड, और मनी और मसल पावर का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा है कि जो भी बंदा इलेक्शन कंटेस्ट करेगा उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ होगा और उसके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है वो भी लिखा होगा। आई बात समझ में। और अब इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन करे और अपने इनकम टैक्स भी फाइल करें। इन सब के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज जब रिफॉर्म नहीं होती है तो हम लोगों ने क्या करा, कुछ और उनको फ्री के सजेशन दिए जो हम लोग देते ही हैं। पहला कि एक लॉ बनाओ जिससे क्या हो, इंटरनल अफेयर्स रेगुलेट हो जाए, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज को बोलो एक मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स किसको देने चाहिए, विमेन कैंडिडेट्स को देने चाहिए, ठीक है। और स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए कि यार कोई अपना पैसा यूज करे ही नहीं, सरकार ही सारी फंडिंग दे किसके लिए, इलेक्शन के लिए। इसके अलावा हम लोग एज सिटीजन क्या कर सकते हैं, तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज पे क्या कर सकते हैं, प्रेशर लगा सकते हैं। कैसे प्रेशराइज कर सकते हैं, पेटिशन के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू और एजुटेशन के थ्रू। आ रही है बात समझ में। हम लोग क्या कर सकते हैं, पेटिशन, पब्लिसिटी, एजुटेशन, पीपीए, एएपी नहीं, पीपीए, पेटिशन, पब्लिसिटी और एजुटेशन, ठीक है। और दूसरा, अगर पॉलिटिकल पार्टी को लगेगा क्या कि लोग हमें चाहते हैं कि हम बदल जाएं, तो वो बदल
जाएगी, क्योंकि अगर हम उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे तो उन्हें पता रहेगा नेक्स्ट टाइम उन्हें इलेक्शन में वोट नहीं मिलेंगे. इज दैट क्लियर? तो ये क्या है, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म? बोलो, कोई परेशानी? विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर. बेटा डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर कंपोनेंट. याद करो यहाँ पे तीन टी थे और दो सी थे. कौन से तीन टी? इक्वालिटी, डिग्निटी और क्वालिटी. और दो कौन से सी थे? एक कॉन्फ्लिक्ट और एक करेक्ट मिस्टेक्स. तो डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजंस, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग. और दो सी थे, एक मेथड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स. ठीक है, नेक्स्ट. डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट. अब सुनो, लोगों के पास क्या है? राइट टू चूज है उनके लीडर्स को. दे हैव राइट टू चूज देयर रूलर्स. ठीक है, दे हैव कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स. आई बात समझ में? सिटीजंस कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग. देयरफॉर डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट व्हिच इज अकाउंटेबल टू द सिटीजंस एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन. तो हम लोग हमारे लीडर्स क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं. टू, उनको कंट्रोल कर सकते हैं. थ्री, हम लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसलिए हमें लगता है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो अकाउंटेबल होती है और रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन होती है. आई बात समझ में? अब लेजिटिमेट गवर्नमेंट या ट्रांसपेरेंसी की बात आती है. लेजिटिमेट गवर्नमेंट या फिर ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो हमेशा याद रखना, हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि जब भी कोई डिसीजन मेकिंग हो रहा है, जब भी कोई डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो वो किस चीज से बेस्ड है? ऑन सम नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स. ऑन सम नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स. अगर एक सिटीजन जानना चाहता है क्या कि एक जो डिसीजन लिया गया था उसमें करेक्ट प्रोसीजर्स फॉलो हुए थे कि नहीं हुए थे, तो सिटीजन के पास राइट भी है और मींस भी है. सिटीजन के पास राइट भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन, और मींस भी है. वो देख सकता है क्या कि डिसीजन सही तरीके से लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे. दैट इज प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस वर फॉलोड ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग. आई बात समझ में? सो इस तरीके से हम डिसीजन में क्या कर सकते हैं? पार्ट कर सकते हैं. और कुछ भी हो, अ डेमोक्रेसी इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट. भले तुम बुरे बच्चे हो लेकिन अपने मम्मी पापा के तो बच्चे हो, क्योंकि तुम उनके हो इसलिए तुम अच्छे हो. देयरफॉर डेमोक्रेसी इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट. व्हाई पीपल्स ओन गवर्नमेंट? बिकॉज हम लोग उनको सिलेक्ट करते हैं, हम लोग ही उनको इलेक्ट करते हैं. देयरफॉर पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम. पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम. इज दैट क्लियर? अब आता है कि डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ला पाती है कि नहीं. तो क्वेश्चन नंबर वन बनता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है. इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है? तो हम लोगों ने बोला, पहली बात तो कंप्यूट कंट्री की पॉपुलेशन साइज पे, दूसरा उसकी ग्लोबल सिचुएशन पे, ठीक है, तीसरा कोऑपरेशन दूसरी कंट्रीज से, और चौथा इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री. तो फोर फैक्टर्स ऑन विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स. फोर फैक्टर्स ऑन विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स. कौन सा है? उसकी पॉपुलेशन साइज, उसकी ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट. अब डेमोक्रेसीज में और डिक्टेटरशिप में, डेमोक्रेसीज में और डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में फर्क है. और ऐसा देखा गया है कि डिक्टेटरशिप का जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हायर होता है. वो क्या होता है? हायर होता है. आई बात समझ में? सो डिक्टेटोरियल रिजाइम हैव स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. However, when we compare their record only in poorer countries, there would be virtually no difference. तो जो rich countries है ना, वहाँ पे दिखता है कि dictatorship better results produce कर रही है in terms of economy. लेकिन अगर poorer country, एक poorer country dictatorship वाली ले और एक poorer country
डेमोक्रेसी वाली ले तो दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. देर कैन बी वेरिंग हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज बिटवीन इन डेमोक्रेसीज. देर इज ऑफन इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो हम लोग बोलते हैं जब इक्वालिटी की बात होती है ना तो डेमोक्रेसी ने पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे दी है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी आज भी नहीं दे पाई है, बिकॉज देर इज अ वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन अ डेमोक्रेसी. क्लियर? ठीक है. देखो, अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम. ये कहाँ की बात हो रही है? डेमोक्रेसी की. देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी हैज बीन इंक्रीजिंग. दोज एट द बॉटम स्ट्रेटा हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन. यानी कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं ला पाई है. ठीक है. देयर इनकम्स हैव बीन डिक्लाइनिंग. यानी कि जो रिच और पुअर है उनके बीच में गैप क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ फार हैव डेमोक्रेसीज बीन इन ब्रिंगिंग अबाउट इक्वालिटी, तो हम लोग बोलेंगे डेमोक्रेसीज पॉलिटिकल इक्वालिटी तो ले आई है, दैट इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी इज रिमूव इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज रिमूव नहीं कर पाएगी. अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाई डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम. देयर इनकम्स आर इंक्रीजिंग. दोज एट द बॉटम स्ट्रेटा, दोज एट द बॉटम स्ट्रेटा हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन. देयर इनकम्स हैव बीन डिक्लाइनिंग. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. तो हम लोग बोल सकते हैं देखो कोई भी सोसाइटी बिना कॉन्फ्लिक्ट के तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती. हमेशा हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा. लेकिन डेमोक्रेसी में अच्छी बात क्या होती है? वी लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस. वी कैन इवॉल्व मैकेनिज्म्स टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस. पहला रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, पहला रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस. दूसरा इवॉल्व मैकेनिज्म्स, दूसरा इवॉल्व मैकेनिज्म्स टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस. आई बात समझ में? तो डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है? बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. व्हाई आर डेमोक्रेसी इज गुड? बिकॉज दे आर हाईली सक्सेसफुल इन हैंडलिंग. दे आर हाईली सक्सेसफुल या एबल टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट. आई बात समझ में? और इसके लिए डेमोक्रेसी को दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है. क्या? द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी. ठीक है. एंड रूल बाय मेजोरिटी मीन्स एवरी डिसीजन में सारे लोग क्या हो? इन्वॉल्व हो. डिफरेंट पीपल एंड ग्रुप्स में एंड कैन फॉर्म अ मेजोरिटी. क्लियर? नेक्स्ट आता है हाउ डज डेमोक्रेसी इंश्योर डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजंस. तो डिग्निटी और फ्रीडम टू द सिटीजंस में क्या आता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है उसको सबसे पहले लाइफ में क्या चाहिए रहती है? रिस्पेक्ट चाहिए रहती है. तो ये जो पैशन है किस चीज का? किस चीज के लिए पैशन? रिस्पेक्ट और फ्रीडम के लिए. ये क्या होता है? बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी होता है. ये क्या होता है? बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी होता है. आ रही बात समझ में? और डेमोक्रेसी में बहुत डिफिकल्ट होता है क्या करना? सबको एक साथ चलना, लेकिन चलाना पड़ता है. अब यहाँ पे कितने एग्जाम्पल दिए उन्होंने? दो एग्जाम्पल दिए. पहला किसका? विमेन का, कि विमेन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, विमेन को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए. इसके लिए डेमोक्रेसी से बहुत लॉन्ग स्ट्रगल्स हुए और इवेंचुअली विमेन को वो रिस्पेक्ट मिल गई. सिमिलरली सेम कहानी किसके साथ होती है? कास्ट इनइक्वालिटीज के साथ होती है. जो डिसएडवांटेज या डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस होती है उनके लिए हम लोगों ने क्या करा? उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया और फिर उस स्ट्रगल के रिजल्ट में हम लोगों ने उनको क्या करा? रिजर्वेशंस प्रोवाइड करी. आ रही है बात समझ में? एक और क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी का टेस्ट कभी खत्म नहीं होता. तो इसका आंसर क्या लिखना है? कि लोगों को लगता है, आज भी लोगों को लगता है अगर हम डेमोक्रेसी में है तो हमारे वोट की क्या है? वैल्यू है. सो देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. अगर हम लोग वोट देंगे तो इसमें हमारा ही भला है.
ठीक है ना, डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर, वंस इट पासेस वन टेस्ट इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट, तो डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास कर भी लेगी तो उसको फिर से एक और टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। और एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर, अगर मुझे लग रहा है कि मेरा काम अच्छे से चल रहा है डेमोक्रेसी में तो मैं सरकार से डिमांड क्या करूंगी और ज्यादा करूंगी, और जब आप और मांगोगे तो डेमोक्रेसी इससे और अच्छी हो जाएगी। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इन इट इटसेल्फ इज अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि अगर लोग गवर्नमेंट से चीजें डिमांड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और लीगल नॉर्म्स और प्रोसीजर्स के बेसिस पे वो डिमांड्स क्या हो रही है फुलफिल हो रही है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा टेस्टिमनी है, अपने आप में बहुत बड़ा एविडेंस है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ सक्सेसफुल गवर्नमेंट। ओके, हाउ डू वी डिसाइड दैट द गिवन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इफेक्टिव और नॉट, तो हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफेक्टिव कब होगी, जब वो क्विक होगी, किसमें क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आपको डिसीजन भी फटाफट लेना है और उसको इम्प्लीमेंट भी फटाफट करना है, बट प्रॉब्लम क्या है ये क्विक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सिंस इट इज बेस्ड ऑन डेलिबरेशन एंड नेगोसिएशन, डेलिबरेशन मतलब सबकी बात माननी पड़ती है, नेगोसिएशन आपका भैया नहीं मेरा भैया नहीं, हम दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आएंगे, सो सिंस दिस इज बेस्ड ऑन डेलिबरेशन एंड नेगोसिएशन सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, पर ये डिले बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि अगर डिसीजन बहुत फास्ट हुए, बहुत ज्यादा फास्ट हुए और अगर लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम्स होगी, इससे बेटर क्या है कि आप टाइम लो, है ना, सारे प्रोसीजर्स फॉलो करो और फिर डिसीजन पे आओ, तो आपके डिसीजन क्या होंगे, एक्सेप्टेबल भी होंगे और इफेक्टिव भी होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एफिशिएंट इफ इट इज क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, हाउएवर सिंस इट इज बेस्ड ऑन डेलिबरेशन एंड नेगोसिएशन सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, इफ द डिसीजंस आर वेरी फास्ट बट नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल इट वुड क्रिएट प्रॉब्लम्स, therefore it is better that we should take more time to follow procedures before arriving at a decision so that the decisions are acceptable and effective. Okay, what should be done to make a democratic government more accountable to the people, humne kaha har bar accountable hoti to hai nahi, तो हम लोगों ने बोला कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जिससे क्या हो जाए वो रिस्पॉन्सिव हो जाए और अकाउंटेबल हो जाए और जिससे सिटीजन क्या कर पाए डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले पाए। तो सबसे अच्छा मैकेनिज्म कौन से बताया इन्होंने, पहला रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दूसरा ओपन पब्लिक डिबेट्स ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन, तीसरा सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। ये तीन मैकेनिज्म ऐसे हैं जिससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, अकाउंटेबल भी हो जाएगी और रिस्पॉन्सिव। कौन से तीन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ओपन पब्लिक डिबेट्स ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन और तीसरा सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत रिस्पॉन्सिव होती है क्या, नहीं होती, क्यों नहीं होती, पहली बात तो इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए और फ्री ऑफ करप्शन भी होना चाहिए, सो इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू बी अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ पीपल एंड बी फ्री ऑफ करप्शन, बट अगर सच में देखें तो क्या ऐसा हो रहा है, नहीं, डेमोक्रेसी इज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों को फ्रस्ट्रेट करती है, इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी कि बहुत बार उनकी डिमांड्स को क्या करती है, इग्नोर करती है, तो फ्रस्ट्रेट भी करती है और इग्नोर भी करती है, और ऐसा तो नहीं है फ्री ऑफ करप्शन है, द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन इंश्योर दैट डेमोक्रेसी आर नॉट फ्री ऑफ दिस इविल, आई बात समझ में, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉन डेमोक्रेसी कम करप्ट है, तो इससे तो बेटर क्या है, ठीक है, व्हाई इज अ डेमोक्रेसी बेटर देन इट्स देन इट अल्टरनेटिव, बिकॉज इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जायज गवर्नमेंट है, ये स्लो है, हाँ है, लेस एफिशिएंट है, हाँ है,
रिस्पॉन्सिव नहीं है, हाँ क्लीन भी नहीं है, मतलब करप्शन से फ्री भी नहीं है, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट है. हाँ इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है. देयरफॉर देयर इज अ ओवरवेलमिंग सपोर्ट विद द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. दिस इज बिकॉज पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम, ठीक है. हेंस इट्स एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट. अगर ये भी लाइन एग्जाम में आती है क्या, इट्स एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, ये इसी का आंसर, इसमें यही वाला आंसर तुम्हें लिखना है. इट्सेल्फ इज एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. लेस एफिशिएंट है, स्लो है, नॉन रिस्पॉन्सिव है, करप्ट भी है, बट इट्स पीपल ओन, पीपल्स ओन गवर्नमेंट, बिकॉज पीपल रूल विश टू बी रूल्ड बाय पीपल या रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम. तो जेंडर रिलेटेड पार्ट्स के 12 क्वेश्चन करेंगे, यही 12 में से पेपर आएगा, आने वाला है, छप चुका है, ठीक है ना. सुनो क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज पॉलिटिक्स अफेक्ट कास्ट, है ना. देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट मैम करती है, और एक बनता है पॉलिटिक्स कास्ट को कैसे अफेक्ट करता है. तो हम लोगों ने बोला नहीं, अलग लिखना है आंसर. हाउ डज पॉलिटिक्स अफेक्ट कास्ट, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिकर By incorporating neighboring and sub-caste which were excluded from it. अगर आपको अपना political position strong बनाना है, तो आजकल caste वाले क्या करते हैं, अपने आपके जो sub-caste है वो खुद के अंदर क्या करते हैं, merge कर देते हैं, ताकि वो population wise एक बड़ा group दिखे, ताकि उनका political influence क्या हो जाए, strong हो जाए, ठीक है. Various caste groups enter into a coalition, ठीक है. caste groups आजकल मिल जाते हैं, तेरी caste और मेरी caste friends, ठीक है. एंड नेगोसिएशन, न्यू फॉर्म्स ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. जब तक पॉलिटिक्स नहीं था तब तक कास्ट कास्ट अलग होती थी, अब कास्ट मर्ज होके नए तरीके के कास्ट ग्रुप बना रहे हैं, जैसे कि फॉरवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट. आई बात समझ में. इन सम सिचुएशंस एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस गिव्स डिसएडवांटेज कम्युनिटीज द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर. क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में आपको उतरना है, तो आपकी कास्ट कम्युनिटी को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और आपको अपनी कास्ट कम्युनिटी को स्ट्रांग क्यों बनाना पड़ेगा, ताकि आप अपने कास्ट के फेवर में क्या करो, लेजिस्लेशंस करवा सको. तो पहला है कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग नेबरिंग एंड सबकास्ट, दूसरा कास्ट ग्रुप्स एंटर इनटू अ कोलिजन डायलॉग एंड नेगोसिएशन, तीसरा न्यू फॉर्म्स ऑफ कास्ट ग्रुप कास्ट ग्रुप्स जैसे कि फॉरवर्ड कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट, एंड इन सब सिचुएशन एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंस गिव्स डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज द स्पेस टू डिमांड फॉर देयर शेयर ऑफ पावर. ये किस चीज का आंसर है, हाउ डज पॉलिटिक्स अफेक्ट कास्ट, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट रोल डज कास्ट प्ले इन पॉलिटिक्स. अभी पॉलिटिक्स प्ले इन कास्ट देखा, आप देख रहे कास्ट प्ले इन पॉलिटिक्स. इट इज अ रूटेड बिलीव दैट कास्ट इज अ सोल बेसिस फॉर सोशल कम्युनिटी. कोई भी सोशल कम्युनिटी बनती है तो किससे बनती है, कास्ट से. दैट इज पीपल बिलोंगिंग टू सेम कास्ट बिलोंग टू सेम नेचुरल सोशल कम्युनिटी. व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट. जब पार्टीज अपने कैंडिडेट क्या करेंगे, चूज करेंगे, तो अपनी इलेक्टोरेट का कास्ट कंपोजिशन क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे. एंड नॉमिनेट द कैंडिडेट अकॉर्डिंगली, दिस इज नेसेसरी टू गेन सपोर्ट टू विन द इलेक्शन, ठीक है. पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अपील अपील टू पीपल इन द नेम ऑफ कास्ट. पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अपील टू कैंडिडेट्स इन द नेम ऑफ, ड्यू टू वन पर्सन वन वोट क्राइटेरिया पॉलिटिकल लीडर्स आर कंपेल्ड टू गियर अप द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सपोर्टिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट. तो जो कास्ट बड़ी है आप उसका सपोर्ट लेना चाहोगे, क्योंकि वन पर्सन वन वोट वाली सिचुएशन होती है, क्लियर. तो हमने देखा कास्ट अफेक्ट पॉलिटिक्स, फिर हमने देखा पॉलिटिक्स अफेक्ट कास्ट. लेकिन हम लोग कहते हैं कास्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिसाइड्स द रिजल्ट इन पॉलिटिक्स. क्यों, ऐसा देखा गया है नो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इन अ कंट्री हैज क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, ऐसा कभी नहीं हुआ. इसलिए कास्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर. सेकंड, नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट और अ कम्युनिटी, कि सारे पंजाबियों ने एक ही बंदों को वोट दे दिया, ऐसा भी नहीं होता है. दैट इज व्हाई कास्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर.
द रूलिंग पार्टी फ्रीक्वेंटली लूजेस इलेक्शन. आई बात समझ में? दिस शोज दैट नॉट दिट कुड नॉट हैव हैपेंड इफ ऑल द कास्ट इन कम्युनिटी वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस. ओके, सो कास्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिसाइड्स रिजल्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया. How has caste system undergone changes in the society? तो caste system में क्या हो गया? अब पहले हम जितना caste 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 करते थे, अब उतना caste caste नहीं करते. क्यों? One, economic development. Two, large scale urbanization. Three, growth of literacy and education. Fourth, occupational mobility. Fifth, weakening position of the landlord in villages. Breaking down of caste hierarchy norms. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है तो अब कास्ट से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट होता है. दूसरा, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, आप गांव से शहर जाते हो तो अभी छड़ी छड़ी बातें नहीं देखते. थर्ड, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी इन एजुकेशन, अब सब पढ़े लिखे हो गए, आप लोगों को स्किल से पहचानते हो, उसकी कास्ट से नहीं पहचानते. ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, आप एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार काम के लिए जाओगे तो लोग आपसे आपका काम पूछेंगे, आपकी कास्ट नहीं पूछेंगे. वीकनिंग पोजिशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, पहले कास्ट का ज्यादा कौन करता था? लैंडलॉर्ड्स ही करते थे, अब उनकी पोजीशन ही क्या हो गई? वीक हो गई. और ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट हायरार्की नोशंस. व्हाट इज कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन? मतलब एग्जैक्टली कास्ट सिस्टम होता क्या है? एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आउट कास्ट ग्रुप. जो हमारी कास्ट के नहीं है उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं और उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है, अब हमने चैप्टर क्या है, जेंडर, रिलीजन, कास्ट. कास्ट हो गया, अब रिलीजन. ठीक है, सेक्युलर स्टेट क्या होता है? तो ये एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता. कॉन्स्टिट्यूशन हमारी किसी भी रिलीजन को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं देती. कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है हर बंदे को राइट है टू पी प्रोफेस, पी प्रैक्टिस, पी प्रोपगेट. पी 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 प्रैक्टिस प्रोपगेट प्रोफेस एनी रिलीजन. The constitution does not discriminate on grounds of religion. और अगर कुछ religious community होता है तो उसमें कुछ equality लानी होती है तो constitution क्या कर सकती है? Interfere भी कर सकती है. What are the different parts that communalism? Communalism मतलब होता है religion के base पे. In take in politics. तो politics में communalism या religion कैसे आता है? Everyday beliefs मतलब religious prejudices. Stereotypes, superiority of one religion over other. कि हमारा religion अच्छा है, आपका खराब है. ठीक है ना? Political dominance of one's own religious community. यानी कि अगर मैं किसी religious community को belong करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, दूसरी जो minority communities होती है उनको dominate करने की कोशिश करती हूँ. और ऐसे में हर majority या हर minority अपना एक separate political unit बनाने की कोशिश करती है, ताकि अगर एक पॉलिटिकल यूनिट डोमिनेट करे तो हमारे पास भी हमारा एक सेपरेट यूनिट होना चाहिए जो इससे नेगोशिएट करने के लिए रेडी रहे. पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस. पहले बहुत होता था कि हम हिंदू हैं, हमारे ये सिंबल्स हैं, हम मुस्लिम्स हैं, हमारे ये सिंबल्स हैं, हम सिख हैं. पहले ऐसा बहुत कुछ होता था, जैसे सेक्रेट सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, emotional people to bring political followers of one religion on same political domain. और lastly, riots, violence, massacre. Riots मतलब दंगे होते थे, massacre मतलब कत्लेआम. एक किसी कम्युनिटी के लोगों को आप मारी दो या फिर उनके साथ रेगुलर बेसिस पे माराकूटी करो. ये communalism in politics है. पहला क्या था? Everyday belief. दूसरा, पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटीज. तीसरा, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस. और चौथा, वायलेंस, रायट्स एंड मैसेक्रे. हाउ डज रिलीजन बिकेम अ प्रॉब्लम इन पॉलिटिक्स? तो जब रिलीजन एक्सक्लूसिव और पार्टीसन टर्म्स में, वर्ड याद रखना, एक्सक्लूसिव एंड पार्टीसन टर्म्स में प्रैक्टिस होता है. ए, जब एक रिलीजन के फॉलोवर्स दूसरी रिलीजन के अगेंस्ट पिट होते हैं. पिट मतलब भड़काना. व्हेन द फॉलोवर्स आर ऑफ वन रिलीजन आर पिटेड अगेंस्ट अनादर. या फिर एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से सुपीरियर बताया जाता है. या फिर एक रिलीजन की जो डिमांड रहती है उसको फुलफिल करने के लिए स्टेट पावर गलत तरीके से यूज होता है, तब रिलीजन क्या बन जाता है? प्रॉब्लम
बन जाता है। कब बन जाता है? जब वो एक्सक्लूसिव और पार्टिसन टर्म्स में एक्सप्रेस हो, व्हेन पीपल ऑफ वन रिलीजन आर पिटेड अगेंस्ट अदर, व्हेन वन रिलीजन इज शोन टू बी सुपीरियर देन दी अदर, और फोर्थ व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजन आर फुलफिल्ड बाय सरपासिंग द डिमांड्स ऑफ अनादर रिलीजन यूजिंग स्टेट पावर। तो जब स्टेट पावर यूज करके एक रीजन की अननेसेसरी डिमांड्स आप क्या करोगे, फुलफिल करोगे, तब रिलीजन पॉलिटिक्स में एक प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने बोला था रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि सारे रिलीजन की मॉरल वैल्यूज लेनी चाहिए, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, और वो सारी मॉरल वैल्यूज क्या होता है आपके पॉलिटिक्स में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ये गांधी जी सोचते, ठीक है ना। लेकिन सच बात क्या है, कम्युनल राइट्स जो होते हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज करती है, ठीक है ना, जितने ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स होते हैं जो माइनॉरिटीज बनाते हैं, ये सब बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज के ही एजेंडा होते हैं। आ रही है बात समझ में? अगर बुराई देखी जाए तो जितने भी रिलीजन है, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई सा भी रिलीजन है, सबके जो फैमिली लॉज हैं वो पहले विमेन के अगेंस्ट क्या थे, बायस थे, मतलब विमेन को इनजस्टिस ही मिलता था उन लॉज में। हालांकि अब क्या होगा, रिफॉर्म स्टार्ट होगा, लेकिन आंसर में तुम्हें यही लिखना है ना। अब इसमें जेंडर वाली कहानी तो तुम कर ही लोगे, मैन वुमेन फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या आते हैं, वन आंक में अगर आता है तो दीज आर रेडिकल मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन पर्सनल एज वेल एज फैमिली लाइफ एंड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पब्लिक एंड सोशल लाइफ। दीज आर फेमिनिस्ट मूवमेंट, मतलब फैमिली लाइफ में भी इक्वालिटी चाहिए और पब्लिक और सोशल लाइफ में भी रिस्पेक्ट चाहिए या स्टेटस इंप्रूव करना है। इज दैट क्लियर?